नासिक में रहने वाली तृप्ति जी भगवान की टूटी या खंडित मूर्तियों और तस्वीरों को एक डिफरेंट वे में रिसाइकिल करती हैं। बट तृप्ति जी मूर्तियों को रिसाइकिल क्यों करती हैं? मूर्तियों को रिसाइकिल करके वो क्या बनाती हैं? और हम कैसे उनको अपनी खंडित मूर्तियां भेज सकते हैं? क्या आपको पता है कि एक साल में 1 लाख से भी ज्यादा मूर्तियों को डिस्कार्ड किया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो। ज्यादातर हम इन खंडित मूर्तियों को या तो पानी में बहा देते हैं या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इनका क्या होगा। तो बेसिकली एक समय पे जिनकी हम पूजा करते थे उनका एंड क्या होता है वो हमें कभी पता नहीं चलता। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया तृप्ति जी ने। मैं बचपन से ही नोटिस करती थी कि चतुर्थी के वक्त ये मूर्तियां पानी में लोग बहा देते हैं। मैं सोचती थी कि ये मूर्तियों का बाद में क्या होता होगा, और जब मैंने नोटिस किया कि ये मूर्तियाँ डिसॉल्व ही नहीं होती है, सालों तक वैसे ही पड़ी रहती है, तो बहुत बुरा लगा। जब तृप्ति जी को ये पता चला तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और माइथोलॉजी से लेकर हिस्ट्री तक ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया। तब मुझे पता चला कि हमारे पुराणों में लिखा था कि हम जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हें पानी में बहा देना चाहिए। उनके हिसाब से ये बात एकदम सही थी। उस वक्त मूर्तियां मिट्टी की बना करती थी, बट उन्हें ये पता नहीं था कि आगे चल के हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक और कई अन्य चीजों से हमारी मूर्तियां बनाएंगे। तो एक दिन जब तृप्ति जी घाट पे बैठी थी तो वहाँ पे एक आदमी आइडल्स की 5-6 तस्वीरों को बहाने के लिए ले आया था। तो तृप्ति जी ने डिसाइड किया कि वो इस बार जरूर उनसे बात करेंगी और उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। मैंने उनको बोला कि ये भगवान की तस्वीरें पानी में मत डालिए। तो वो थोड़े परेशान हो गए, बोले अगर पानी में ना डालूं तो इन तस्वीरों का क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको बोला ये बात, फोटोज में जो कागज रहता है वो कागज निकाल के उसे पानी में डिजॉल्व करके पौधों के लिए फर्टिलाइजर बना देंगे, और बची हुई जो आपकी फ्रेम रहेगी उसको किसी और चीज के लिए भी यूज कर लेना। इस इंसिडेंट से तृप्ति जी को काफी मोटिवेशन मिला कि उन्होंने एटलीस्ट एक इंसान को पानी में तस्वीर डालने से रोका। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसी खंडित मूर्तियों को रिसाइकिल करेंगी, पर ये इतना आसान नहीं था। मैं मेरे घर की तस्वीरें और कुछ मूर्तियां लेके रिसाइकल के पास गई, तो उन्होंने पहले तो सब कुछ देख लिया, फिर बाद में बोले कि मैम नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि जैसे भगवान की तस्वीरें है, वो थोड़ा डर रहे थे। इस बात से तृप्ति जी को काफी शॉक लगा और वो डिसअपॉइंट भी हुई, पर इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इस पूरे काम को बंद नहीं किया बल्कि और रिसाइकलर से बात की और उन्हें बोला कि वो इन खंडित मूर्तियों की उत्तर पूजा कराएंगे। तब जाके फाइनली उनको एक रिसाइकलर मिला और ऐसे स्टार्ट हुआ संपूर्णम। हमने इस प्रोजेक्ट का नाम संपूर्णम रखा, मींस हम उन मूर्तियों को, फोटोज को एक पूर्णत्व दे रहे हैं, एक मींस कंप्लीशन दे रहे हैं। जब रिसाइकल की प्रोसेस स्टार्ट होती है उससे पहले हम इन सब मूर्तियों की, फोटोज की उत्तर पूजा कर लेते हैं जिससे किसी भी इमोशंस को हर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं तृप्ति जी इन मूर्तियों और तस्वीरों को रिसाइकिल करके क्या बनाती हैं। जो प्लास्टिक की मूर्तियां रहती है, मेटल की मूर्तियां रहती है, उनको मेल्ट करके क्यूब्स बनाया जाता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और उसमें कुछ सीमेंट मिक्स करके उसके ब्रिक्स बनाए जाते हैं और टॉयज बनाए जाते हैं। इस हिसाब से हम जो भी चीजें रहती है भगवान की वो सब रिसाइकल करते हैं। ये बात धीरे धीरे करके रिश्तेदारों से दोस्तों तक, दोस्तों से और दोस्तों तक फैलने लगी और लोग दूर दूर से अपनी खंडित मूर्तियां तृप्ति जी को भेजने लगे। इतना ही नहीं, तृप्ति जी हमारे पूर्वजों की तस्वीरें जो खराब हो जाती हैं उन्हें भी रिसाइकिल करती हैं। एक बार एक आंटी ने मुझे ना 90-95 साल पुरानी मूर्ति दी थी। मुझे बोलते कि तृप्ति तुमने मेरा पूरा टेंशन ले लिया, वो बहुत एक ऐसे रिलैक्स फील कर रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ भगवान की अवहेलना नहीं रोक रही हूँ, मैं लोगों को उनके भगवान के प्रति होने वाले इमोशंस पे भी सपोर्ट कर रही हूँ। तृप्ति जी आज तक 10,000 से भी ज्यादा मूर्तियों और तस्वीरों को सही तरह से रिसाइकिल कर चुकी हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि संपूर्णम का आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। जैसे एक इंसान के मरने के बाद हमने उनका एक एंड बनाया है, उसी तरह हम जो मूर्तियों को पूजते हैं अगर वो खंडित हो जाती है तो उन्हें एक संपूर्णत्व देना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि जैसे आधुनिकता हमने ये मूर्ति बनाने में लाई है, वही आधुनिकता हमें ये खंडित मूर्तियाँ रिथॉप करने में लाई है।
ऑल्सो तृप्ति जी इन आइडल्स की उत्तर पूजा कराने से उनको सही तरह से डिसॉल्व करके रिसाइकिल कराने तक के कुछ बेसिक चार्जेस लेती है जो उनके फैक्ट्री और लेबर कॉस्ट में निकल जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई खंडित मूर्तियां है, फोटोज है, तो हमें हमारी ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको तृप्ति जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सो दैट और लोगों को इस बारे में पता चले और सब लोग अपने आइडल्स को पानी में ना बहाएं और ना ही पीपल के पेड़ के नीचे रखें, बल्कि तृप्ति जी को दें जो उनको सही तरह से रिसाइकिल कर सके। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।